दोस्तों आज की कहानी है शेख चिल्ली की कहानी, टेंडुए का शिकार। भले ही शेख चिल्ली बेवकूफ़ी भरी बातें और कार्य करता था, लेकिन एक दिन शेख चिल्ली की किसी काबिलियत को देखते हुए सज्जद नवाब शेख फारूक ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। दिन प्रतिदिन बीतते गए और शेख चिल्ली ईमानदारी से अपना काम करता रहा। एक दिन नवाब शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहे थे। उन्हें शिकार के लिए जाता देख शेख चिल्ली ने कहा, महाराज मैं भी अपने साथ आपके साथ जाना चाहता हूँ। नवाब ने हंसते हुए कहा, उसे कहा कि तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, तुमने जीवन में कभी किसी चूहे का भी शिकार नहीं किया होगा, तो तुम जंगल चलकर क्या करोगे। सज्जर नवाब से ये सुनकर दुखी आवाज़ में शेख चिल्ली बोला, आप मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका तो दीजिए नवाब। नवाब ने शेख चिल्ली की जिद देखकर उसके हाथ में भी एक बंदूक थमा दी। अब सभी एक साथ जंगल की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद सब शिकार का इंतज़ार करने के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और नवाब साहब ने शेख चिल्ली को अपने साथ खड़े रहने को कहा। नवाब साहब ने टेंडुए को फंसाने के लिए एक बकरी को बांध रखा था, फिर भी 3 घंटे तक तेंदुआ वहाँ नहीं आया। इतने में चिल्लाते हुए शेख चिल्ली ने पूछा कि कहाँ गए टेंडुआ, अब तक क्यों नहीं आया। नवाब के पास में ही खड़े एक शिकारी ने कहा कि तुम चुप रहो वरना सारा काम बिगाड़ दोगे। इतने में ही शेख चिल्ली मन ही मन ख्याली पुलाव पकाने लगा। उसके मन में हुआ कि एक दो टेंडुओं का शिकार करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ आए, लेकिन एक भी टेंडुओं को ढूंढने के लिए नहीं गया। सब के सब पेड़ के पीछे छुपकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर शेख चिल्ली के मन में हुआ कि मेरा बस चले तो नवाब के पास में खड़ा एक शिकारी ने कहा कि तुम चुप रहो वरना सारा काम बिगाड़ दोगे। इतने में ही शेख चिल्ली के मन में ख्याली पुलाव पकाने लगा। उसके मन में हुआ कि एक दो टेंडुओं का शिकार करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ आए, लेकिन एक भी टेंडुओं को ढूंढने नहीं गया। उसके मन इंतज़ार कर रहे थे। फिर शेख चिल्ली के मन में हुआ कि मेरा बस में तो मैं बंदूक लेकर सीधे टेंडुओं को ढूंढने के लिए निकल जाऊँ, उसे ढूंढकर उसके पीछे पीछे चुपचाप से चलने लगूंगा और जैसे ही वो मेरे तरफ देखेगा तो उसका शिकार कर लूँगा। इतना सोचते ही शेख चिल्ली ने खुद से कहा कि वैसे सुना है कि टेंडुआ बहुत तेज दौड़ते हैं और बड़ी छलांग भी लगाते हैं, अगर वो मेरे ऊपर चढ़ गया तो क्या होगा। इस विचार के कारण शेख चिल्ली ने अपने मन से जाने दिया। उसने कहा कि क्या हुआ, अगर वो तेज़ दौड़ता है तो क्या मैं उससे कम हूँ। जैसे ही वो मेरी तरफ़ दौड़ेगा मैं अपनी बंदूक चला दूँगा, लेकिन ऐसा पेड़ के पीछे छुपकर और बकरी की जान को ख़तरे में डालने से क्या होगा। सबके सब यहाँ डरपोक है। तभी ज़ोर से बंदूक चलाने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही शेख चिल्ली चिल्लाए, टेंडुआ मर गया। सब लोग पेड़ के पीछे बाहर निकल आए। सब ने देखा कि बकरी जैसे कि तैसी है, पेड़ पर बांधकर घास खा रही है। कुछ दूर उन लोगों ने नज़र दौड़ाई तो टेंडुओं को मरा हुआ पाया। सबको लगा कि शेख चिल्ली ने ही टेंडुओं का शिकार किया है। सबने शेख चिल्ली को बधाई दी। सबसे वाहवाही मिलने पर शेख चिल्ली खुश हो गया, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आया कि आखिर टेंडुआ मरा कैसे। कहानी से सीख, कभी कभी ऐसे लोग भी अपनी काबिलियत दिखा जाते हैं जिससे कुछ उम्मीद नहीं होती। इसी वजह से किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। ऑलवेज बी हैप्पी फ्रेंड, हमेशा खुश रहो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें। हैव अ नाइस डे दोस्तों। ओके हमेशा खुश रहो। ओके बाय।